हेलो एवरीबडी दिस इज दिगराज सिंह राजपूत वेलकम टू मैग्नेट बीन इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अ क्लोजर लुक गोंड्स अब देखिए और समझिए इस चीज को ये क्या है गोंड्स की हम बात कर रहे थे कि गोंड एक ट्राइबल कम्युनिटी है कहां पे है तो मैंने आपको ये भी बताया था कि सेंट्रल इंडिया वाला जो पार्ट है जिसमें आप प्रदेश छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश ये वाला जो पूरा पार्ट है यहां पे गोंड कम्युनिटी गोंड ट्राइबल कम्युनिटी देखने को मिलती है हमें ठीक है अब इनके बारे में हम एक इन डिटेल स्टडी करने वाले हैं क्यों सवाल ये बनता है सबसे पहले कि क्यों पढ़ने वाले हैं तो देखिए अभी तक आपने क्या देखा अभी तक आपने ट्राइबल सोसाइटी को समझा नोमैट को समझा किस तरह से सोसाइटी जब चेंज हो रही थी तो नई नई जातिजमर्ज होकर आ रही थी ठीक है वो भी कनेक्ट करवाऊंगा मैं आपको इसी वीडियो में ठीक है ये सारी चीजें देख चुके हो अब जो स्टार्टिंग में हमारी बात हुई थी कि ट्राइब्स का नाम सुनते से अगर आप ये सोचते हैं कि ट्राइब्स कौन है जंगलों में लोग रह रहे हैं ठीक है ट्राइब्स कौन है तो वो धनुष बाण लेके पीछे पीछे दौड़ने वाले लोग हैं तो वो चीज आपका वो जो स्टीरियो है ना उसे तोड़ देंगे हम यहां कैसे कैसे तोड़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक ट्राइबल कम्युनिटी ने एक बड़ा एम्पायर क्रिएट किया था कौन थे वो क्या किया कैसे किया तो गोंड्स के बारे में पढ़ेंगे एक ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में पढ़ेंगे ठीक है देखो समझो तो हु आर गोंड्स तो अ ट्राइबल कम्युनिटी वास्ट फॉरेस्टेड रीजन कॉल्ड गोंडवाना ठीक है कंट्री इनहेबिटेड बाय गोंड्स ठीक है अब गोन्ड जो है तो गोंड्स जिस जगह पे रहते थे तो उसे गोंडवाना कहा जाता था ये देखो ये वाला जो पूरा रीजन है ये पूरा रीजन कहां पे है तो ये पूरा रीजन ये सेंट्रल इंडिया का ये वाला रीजन है तो इसे गोंडवाना कहा जाता था यहां जो ट्राइब पाई जाती थी वो गोंड्राइब है ठीक है आज भी पाए जाते हैं अब देखो तो गोंड ट्राइब थी गोंड ट्राइब में हमने क्या देखा तो देफ्टिंग कल्टिवेशन शिफ्टिंग कल्टिवेशन आप बहुत बार पढ़ चुके हैं सिक्स क्लास में सेवन क्लास में ज्योग्राफी में ठीक है और भी मैंने पहले भी बताया अभी फिर बता देता हूं मैं क्या शिफ्टिंग कल्टिवेशन में आप क्या कर रहे हैं तो जैसे ये पूरा एरिया है अब मैंने यहां क्या लिखा देखो एक लाइन से दूसरी लाइन जुड़ी रहती है यहाँ क्या लिखा है कि एक ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी जो कहां रहती थी वास्ट फॉरेस्टेड रीजन में जहां जंगल बहुत ज्यादा है जंगल है तो क्या है पेड़ है पेड़ है मतलब क्या है कि आपके पास खाली जगह नहीं है अब खेती करने के लिए जगह लगेगी आपको तो आप क्या करते हैं पेड़ काट देते हैं काटो पेड़ ये पेड़ काट दिया आपने पेड़ काटने के बाद में यहाँ पे क्या करते हैं आप आग लगा देते हैं पेड़ों में और फिर जो ऐश वस्ती उसमें खेती करते हैं उसमें खेती करते हैं खेती करने के बाद में आपको जितना प्रोड्यूस मिला एक दो साल मिला फिर आप क्या करेंगे दूसरे जंगल पे चले जाएंगे दूसरे जंगल पे क्या करेंगे पेड़ों को काट देंगे पेड़, पेड़ काट दिया आपने और फिर यहां पे खेती करने लगते हैं तो इस तरह से जब आप क्या करते हैं शिफ्ट करते हैं ये शिफ्टिंग कल्टिवेशन कहलाता है ठीक है तो एक ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी जो क्या थी तो आप ये कह सकते हो एक एग्रीरियन

एक क्लैन हो गई दूसरी क्लैन हो गई तीसरी क्लैन हो गई तो अब क्या होता है इस तरह से गोंड कम्युनिटी जो है तो इनका एक अपना कबीला रहता है अपना कबीला रहता है और उनका हर हर एक क्लैन क्लैन का क्या है है जो बड़ी क्लैन रहती तो उनका एक राजा होता है या फिर एक राय होता है ठीक है तो राजा मतलब ये जो जितने भी गोंड्स हैं इस क्लैन के उन्हें रूल करने वाला उनका एक राजा रहेगा अब क्या होगा तो आप आगे देखोगे कि गोंड ट्राइब और ज्यादा एक्सपेंड करते चले जाएंगे क्लियर है तो यहां पे क्या होता है कि एस Delhi Sultans. Delhi Sultans के तो जब बाबर आता जब दिल्ली सल्तनत क्या होती है डिक्लाइन हो जाती है बोलो हाँ अब बाबर कब आया 1526 में 1526 में दिल्ली सुल्तान दिल्ली सल्तनत जो है वो क्या हो गई डिक्लाइन हो गई तो अब जैसे आप देखोगे तो ये एरिया जो था तो दिल्ली सुल्तान के अंडर में था वो डिक्लाइन हो गया अब क्या है इन्हें आजादी मिल गई एक तरह से अब कोई ऊपर बड़ा पावर नहीं है देखा जाए तो बाबर आया ही है अभी अब गोंड्स जो है तो गोड्स क्या कर रहे हैं गोंड्स के जो चीफ थे ट्राइबल चीफ जो थे जो उनके किंग्स थे जो उनके राजा उनके राय थे वो क्या करने लगे धीरे धीरे अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करने लगे और बाबर की डेथ के बाद में जो हुमायूं था तो आपको ध्यान हो तो हुमायूं को भगा भगा के आ, मतलब दौड़ा दौड़ा के किसने हराया था शेर शाह सूरी ने तो जब शेर शाह सूरी इधर हुमायूं को दौड़ा रहा था तब भी मौका मिल गया गोन्स को और ग्रो करने का समझ रहे हो ना कहानी जोड़ते चलो तो सेंट्रल इंडिया में थोड़ी स्टेबिलिटी थी उस स्टेबिलिटी का फायदा उठाते हुए गोल्ड जो थे तो गोल्ड्स ने क्या किया अपना एम्पायर बड़ा किया अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड किया गोन्ड्स ने अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड किया ठीक है तो विद डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सुल्तान इमर्जेंस ऑफ गोन्ड किंगडम हमें गोल्ड किंगडम बड़ा मतलब पावर क्या है देखो पावर हमेशा वैक्यूम में रहती है एक कंसेप्ट बताता हूं मैं हिस्ट्री का अच्छा सा क्या रहता है जैसे आप कुर्सी के कुर्सी में पावर होती है कुर्सी खाली नहीं रहेगी जो कुर्सी के ऊपर बैठेगा उसके पास पावर रहेगी यहाँ पे दिल्ली सुल्तान बहुत मजबूत थे तो दूसरे कोई नहीं उठ पाए थे लेकिन जब दिल्ली सुल्तान डिक्लाइन की ओर आए ना तो दूसरे किंगडम्स अपने आप ग्रो करने लग गए पावर वैक्यूम की तरह काम करती है किसी के पास थी उसकी नीचे आएगी तो किसी और की पावर ऊपर जाएगी ठीक है ये ध्यान रखना ये चीज तो वही चीज यहाँ पे हुई कि दिल्ली सुल्तान डिक्लाइन हुए दिल्ली सुल्तान के डिक्लाइन के साथ ही वी हैव सीन द इमरजेंस ऑफ गोंड किंगडम गोंड किंगडम ठीक है अब अकबरनामा जो बायोग्राफी है किसने लिखी है ठीक है ये आपका हो गया होमवर्क कमेंट सेक्शन में भी बताएंगे आप मुझे कि किसने लिखी है तो दी गोंड किंगडम को क्या कहा जाता था ग्रह कटंगा ठीक ये ध्यान रखो जैसे एक गोंड वेमेन की फोटो ये तो इधर देखोगे ना तो ये जो पूरा एरिया है तो इसे ग्रह कटंगा कहा जाता था जहां पे गोंड किंगडम थी जहां पे गोंड रूलर्स का रूल था ना उसे ग्रह कटंगा कहा जाता था ठीक तो देखो यहां पे क्या है आप देखोगे तो भैरो घर ठीक है चौराघर तो इस तरह से घर जो है ग्रह घर वो वाला नाम ऐड हो गया ना तो वो उनका पूरा एम्पायर था पूरा उनका क्या था किंगडम था ये इसे ग्रह कटंगा कहा जाता था ये भी ध्यान रखना है आपको तो यहां पे क्या बताते अकबरनामा की बुक में हमें मतलब अकबरनामा में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो ऑब्जर्वेशन था उसमें लिखा है कि गोंड किंगडम ग्रह कटंगा दैट हैड विलेजेस एक भी नहीं दो भी नहीं एक हजार भी नहीं दो हजार भी नहीं दस हजार भी नहीं सत्तर हजार गांव जो थे वो उस पूरे एक ट्राइबल कम्युनिटी के अंडर में थे सोच रहे सोचो जो आप कह रहे थे कि ट्राइब जंगल में धनुष बाण लेकर दौड़ते हैं तो एक ट्राइबल कम्युनिटी सेंट्रल इंडिया की अगर बात की जाए तो ये कौन सी जैसे आ, आ, ट्राइबल कम्युनिटी जो है ये ठीक है सिक्सटीन सेंचुरी की तो इसके पास में क्या है इसके पास में सत्तर हजार गांव है अपने अंडर में कैन यू इमेजिन ठीक है तो इतने सारे गांव एक ट्राइब्स के एक ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर में सिक्सटीन सेंचुरी में तो ये बताते हैं कि ट्राइब्स ने भी क्या किया है एक सेटल्ड कम्युनिटी की तरह एक बड़े एंपायर की तरह अपने आप को फ्लरिश किया है ठीक अब इसमें क्या कहानी है देखो तो ग्रह कटंगा क्या है वो मैं बता देता हूं ग्रह कटंगा क्या तो अ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन द किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू तो ये पूरा जो गोंड किंगडम था पूरे गोंड किंगडम का एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था पूरे किंगडम को उन्होंने अलग अलग ग्रह में डिवाइड कर लिया ठीक है अलग अलग सब पार्ट में डिवाइड कर लिया ईच ग्रह वॉज कंट्रोल्ड बाय अ पर्टिकुलर गोंड क्लैन ठीक है अब यह गोन्द ट्राइब में भी एक इनका जो कबीला है वो एक ग्रह को संभाल रहा है दूसरा दूसरे ग्रह को ठीक है तीसरा तीसरे ग्रह को चौथा चौथे ग्रह को तो इस तरह से ग्रह कटंगा में हम क्या हमें क्या देखने को मिलता है कि ईच ग्रह ग्रह बाय पर्टिकुलर गोंड क्लैन फिर क्या होता है दिस फर्दर डिवाइडेड यूनिट्स ऑफ एटी फोर विलेजेस अब क्या होता है कि हर घर जो है ठीक है हर घर को क्या कर, कर दिया गया है जैसे एक ग्रह है ना तो एक ग्रह में कितने गांव होने वाले हैं एक ग्रह में 84 विलेजेस होने वाले हैं तो यहां पे आप देखोगे 84 विलेजेस एक ग्रह में फिर आगे क्या है फर्दर uh, into इंटू एटी फोर विजेस अब हिंदी में क्या होता है एटी फोर को इक्यासी बयासी त्रियासी चौरासी बोलते हैं तो वही चौरासी चौरासी यहां पर क्या कहा जा रहा है कि एटी फोर विस चौरासी के एक ग्रुप को एक क्लैन बनता है ठीक है तो ईच ग्रह वॉज कंट्रोल्ड बाय पर्टिकुलर गोंड क्लैन ठीक है दिस ग्रह फर्दर divided इंटू एटी फोर uh, विलेजेस कॉल्ड चौरासी मतलब यहां पर क्या है कि एक क्लैन के अंदर एटी फोर एटी फोर विलेजेस uh, के ऐसे चौरासी बना दिए उन्होंने समझना इस चीज को फिर क्या है और सिंप्लीफाइड तो देखो क्या है तो जैसे ये बारह विलेज है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह विलेजेस है बारह विलेजेस क्या बनाएंगे भरोच्स ठीक है भरोच अब बारह विलेजेस के क्या है बारह विलेजेस के जैसे आप देखोगे तो भरोस अब यहां पे क्या करना है आपको 12 विलेजेस जो है तो 12 विलेजेस किस तरह से भरोस जो रहते हैं तो भरोस जब मिलके क्या करेंगे 84 विलेजेस जब बन जाएंगे तो 84 विलेजेस की एक क्या बनेगी चौरासी इसे चौरासी के भरोस होंगे चौरासी में 84 फोर विलेजेस होंगे और ये सब कुछ मिलकर एक क्लैन बनेगा ये क्लैन बन गया और ऐसे ही जितने भी क्लैन है वो सारे क्लैन मिलकर क्या बनेंगे एक बड़ा सा सारे क्लैन मिलकर एक बड़ा सा जो पूरा यूनिट बनेगा वो ग्रह कटंगा कहलाएगा ठीक है तो ये ग्रह कटंगा भरोच चौरासी क्लैंस ये सब कुछ समझ में आ गया ठीक है ये सिस्टम था उनका क्लियर है अब देखो आगे क्या है तो द इमरजेंस द इमरजेंस ऑफ लार्ज स्टेट्स चेंज द नेचर ऑफ गोंड सोसाइटी अब आप पूछोगे हाउ बताओ जरा कैसे ठीक है क्या होता है कि जैसे जैसे ये बड़ा स्टेट बनता चले गया बड़ा स्टेट इन द सेंस कि अगर ट्राइब्स छोटे से एरिया में रूल कर रहे हैं तो वो अपने बीच में अपना एक राजा है बाकी सब समान है कोई टेंशन नहीं लेना है आराम से हिरण मिलेगा मार लेंगे खा लेंगे जिंदा रहेंगे तो वो ऐसे जीते लेकिन अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि लार्ज स्टेट बहुत बड़ा स्टेट बन गया उनका बहुत बड़ा क्या बन गया उनका बहुत बड़ा एक तरह से कैपिटल टाइप से देखने को मिल रहा है इतना बड़ा ग्रह कटंगा एक एंपायर बना लिया उन्होंने ठीक है तो चेंज दी नेचर ऑफ गोंड सोसाइटी अब गोंड सोसाइटी सोसाइटी जो थी तो गोन सोसाइटी में बहुत बदलाव आ गया कैसे बदलाव आया इक्वेलिटी टू इन मतलब पहले जहां पे सब कुछ समान हुआ करता था अब सब कुछ समान नहीं है अब असमानताएं आ गई असमानताएं कैसे आ गई असमानताओं को समझो यहां पे, तो इक्वेलिटी टू इन इक्वालिटी में आ गया हमें यह देखने को मिल रहा है कि ब्राह्मण रिसीव्ड लैंड ग्रांट फ्रॉम दी गोंड राजास एंड बिकेम मोर इन्फ्लुएंशियल अब गोंड राजास क्या थे तो गोंड राजा जैसे मैंने आपको अभी पिछले वीडियो में बताया था क्या कि ये जो कास्ट बेस्ड सिस्टम धीरे धीरे इमर्ज हो रहा था तो अब वो गोन्स को तो ट्राइब की तरह ही देखा जाएगा कि ये ट्राइब्स हैं लेकिन अब उनके पास पावर है वो रूलर हैं तो वो अपने आप को कास्ट सिस्टम में कहां दिखाना चाहते थे रूलर्स की क्लास के बीच में रूलर्स की कास्ट में अपने आप को सेट करना चाहते थे रूलर्स की कास्ट कहां से आएगी तो रूलर्स की कास्ट मतलब वो राजपूत बनना चाहते थे थीके? तो आप तो ब्राह्मण तो को जब सपोर्ट करोगे तो ब्राह्मण इंफ्लुएंशियल हो जाएंगे ब्राह्मण पावर में चले गए आप खुद राजपूत बन गए तो और जो दूसरे लोग हैं तो वो अभी भी क्या है गोन ट्राइबिडर किए जाएंगे तो हरार की बना दी आपने तो वही चीज यहां पर इक्वालिटी टू इनक्वालिटी जैसे बड़ा स्टेट बना तो आपने किसी को इन्फ्लुएंस दे दी ब्राह्मण के रूप में किस, आप खुद राजपूत बन गए किसी को आपने क्या कर दिया जाति तो में ही रखा तो इस तरह से इक्वालिटी से इन आ गई आ गया ना समझ में ये वही चीज हुई है तो विश टू बी रिकॉग्नाइज एज राजपूत सो अमन दास दोंड राजा ऑफ ग्रह कटंगा एज्यूम दाइटल ऑफ संग्राम शाह ठीक है अब क्या होता है तो नाम का हेर फेर है तो जो अमन दास अमन दास ग्रह कटंगा का जो राजा था तो अमन दास ने क्या किया अपने आप का नामकरण कर लिया अपने आप का नाम बदल लिया क्या नाम कर लिया उन्होंने संग्राम शाह कर लिया और बोल दिया आज से मैं एक राजपूत राजा हूं ठीक है इस तरह से फिर क्या होता है मतलब देखो डायरेक्टली वो राजपूत राजा बोलते गए लेकिन लोग नहीं मानेंगे तो फिर क्या हुआ कि यहां पर संग्राम शाह ने क्या किया संग्राम शाह ने अपना जो बेटा था संग्राम शाह का बेटा कौन था दलपत शाह तो दलपत शाह वॉज मेरिड टू दी प्रिंसेस दुर्गावती ठीक है प्रिंसेस दुर्गावती मतलब कौन तो चंदेल डायनेस्टी आपको ध्यान है वाली तो खजराव वाली चंदेल डायनेस्टी की एक राजपूत प्रिंसेस थी दुर्गावती तो रानी दुर्गावती के साथ में दलपत शाह का विवाह कर दिया ठीक है इन दोनों की शादी करवा दी अब क्या होगा तो ये तो एक राजपूत प्रिंसेस है ठीक है ये गोन ट्राइब थे लेकिन शादी हो गई शादी हो गई तो अब इनके जो बच्चे होंगे तो उन्हें तो राजपूत

और इस तरह से मैरिटियल टाइम्स के थ्रू उन्होंने क्या करने की की कोशिश कोशिश करी करी अपनी आ, को को ऊपर उठाने की करी है है ठीक तो देखो इस को आपको रिलेट कहां करना ये भी बता देता हूं मैं कि किस तरह से सोसाइटी बदल रही थी और नई नई कास्ट जो इमर्ज हो रही थी जो पिछले वीडियो में पढ़ा है तो उसके चलते रूलिंग क्लास जो है तो अपने आप को उस कास्ट में सेट करना चाहती थी जिस कास्ट को रूलर्स की तरह कंसीडर किया जाता था सो कॉल्ड राजपूत ठीक है अब क्या होता है आगे देखो आगे देखो यहाँ पे तो अमनदास जो थे अमनदास ने अपना नाम संग्राम शाह कर लिया देखो ये थोड़ा सा मैंने इजी कर दिया संग्राम शाह का बेटा दलपत शाह दलपत शाह की शादी किससे शादी हुई रानी दुर्गावती से रानी दुर्गावती की बात मैं बताता हूँ शी वाज अ ग्रेट वॉरियर ग्रेट वॉरियर मींस ग्रेट वॉरियर जैसे आप रानी लक्ष्मीबाई को 1857 की वॉर के लिए रिकॉग्नाइज करते हैं तो उनसे पहले अगर 15 आ, मतलब मिड में अगर देखा जाए फिफ्टीन फिफ्टी सिक्सटी फाइव शायद तो उस टाइम पर जो लड़ाई होगी अभी आगे लड़ाई होगी वहां पे रानी दुर्गावती का एक मतलब एक शौर्य की गाथा लिखी जा सकती है ठीक है

वीर नारायण ठीक है तो वीर नारायण उनका लड़का होता है अब क्या होता है लेकिन दलपत शाह जो रहते हैं तो दलपत शाह डाइज अर्ली एंड रानी दुर्गावती स्टार्टेड रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ हर फाइव ईयर ओल्ड सन वीर नारायण ठीक है दलपत शाह की जो डेथ है वो जल्दी हो जाती है और दलपत शाह की डेथ के बाद में रानी जो है तो रानी दुर्गावती क्या करती है अब उनका बेटा भी छोटा है अभी वीर नारायण तो बीर के पे कौन रूल कर रही है और ये चीज होती थी हो राजपूत तो ट्रेनिंग दी जाती थी लड़कियों को भी तलवारें वगैरह चलाना सिखा दिया जाता था कि एडवर्स सिचुएशन में वो क्या कर सके कमांड संभाल सके तो उसी तरह से रानी को ट्रेनिंग देना काम आया और रानी ने फिर क्या करा ग्रह कटंगा की कमांड अपने हाथ में ले ली क्यों क्योंकि हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी बच्चा छोटा था तो उन्होंने अपने हाथ में कमांड ले ली तो अंडर हर किंगडम बिकेम इवन मोर एक्सटेंसिव और इन्होंने सक्सेसफुली अपने किंगडम को और एक्सटेंसिवली बड़ा किया और किंगडम को आगे पहुंचाया लेकिन देर वेर चैलेंजेस ठीक है क्या चैलेंजेस थे यहां पे तो देर वेर चैलेंजेस में आप देखते हैं कि इन 1565 सिक्सटी द मुगल फोर्सेस अंडर अशफ खान अटैक्ड ग्रह कटंगा अब ये क्या एक मुगल कमांडर अशफ जहा थे ठीक है अशफ खान थे सॉरी अशफ खान थे तो ये क्या उधर सब घूमते फिरते आ रहे थे मांडव वगैरह से लोगों को हराते हुए आ रहे थे मालवा का जो सुबह था ना एक मालवा वाली जो प्रोविंस थी मुगल एम्पायर में वहां पे कब्जा कर लिया था अब मालवा कहा है तो मालवा भी मध्य प्रदेश में ऐसे समझ लो जैसे मध्य प्रदेश है तो इधर वाला पार्ट जो है मालवा है मालवा में कब्जा कर लिया मुगल एम्पायर ने एक सुबह बना लिया अब मालवा के साथ बॉर्डर टच हो रही थी ग्रह का टंगा की ठीक है तो अशफ खान ने अकबर से क्या बोला कि अपने पास मौका है रानी है अकेली ठीक है राजा है नहीं जीत सकते हैं ग्रह कटंगा को जीत लेते हैं और जीत के क्या करेंगे अपने एंपायर को और बड़ा कर लेंगे ठीक है यह प्लानिंग करी उन्होंने और इन लोगों ने हमला कर दिया किसके ऊपर इन लोगों ने हमला कर दिया ग्रह कटंगा के ऊपर मुगल्स ने तो दी मुगल फोर्सेस अंडर अशफ खान अटैक्ड ग्रह कटंगा ध्यान रखना इस चीज को अब जब ग्रह कटंगा के ऊपर हमला हुआ तो क्या होता है अ अस्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वॉस पुट बाय रानी दुर्गावती रानी दुर्गावती ने जो जिनके पास इतने ट्रेन सोल्जर्स नहीं थे मुगल्स के पास में क्या है बम गोले बारूद है यहां पे इनके पास लेकिन ये जो गोन ट्राइब्स थे इनके पास में इतने सोल्जर्स नहीं थे लेकिन उसके बावजूद भी क्या है रेजिस्टेंस पुट बाय रानी रानी दुर्गावती रानी दुर्गावती ने क्या बोला कि आ, आ, हारने से बेहतर क्या है लड़ लो ये चीज देखो लाइफ लेसन रहते हैं जो भी आप प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज के बारे में पढ़ते हो ना उन्हें क्या किया आप वो नहीं भी कर सकते हो लेकिन उन्होंने जो किया है उससे सीख जरूर सकते हो रानी दुर्गावती ने क्या बोला है कि ना लड़ूंगी और सरेंडर कर दूंगी तो क्या है वो जीवन भर अंदर एक रिग्रेट रह जाएगा ठीक है लड़ूंगी अगर हार भी गई तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा आत्मा को शांति मिल जाएगी तो शी वॉज डिफीटेड एंड प्रीफर्ड टू डाई हार गई थी ठीक है इनकी कहानियां है बहुत सारी जैसे क्योंकि मैं मध्य प्रदेश में रहता हूं तो मैं आपको बता सकता हूं वो चीजें कहानियां क्या कि इनके गले के पास आके एक तीर लग गया उन्होंने तीर निकाला बेहोश हो गई थी फिर खड़ी हुई कि चलो लड़ती उन्होंने देखा कि अब हार क्या है पास में ही है, तो खुद को इन्होंने क्या कर कर दिया? शहीद आफ, आ, सून आफ्टर। और। इनका बेटा जो था, वो भी ब्रेवरी के साथ लड़ा तीन बार मुगल फोर्सेस को पीछे धकाया था लेकिन अल्टीमेटली uh, मतलब एक तरह से कह सकते हैं ये शहीद हो जाते हैं शहीद हो जाते हैं कटंगा हार गए हार गए तो द इंपैक्ट ऑफ मुगल विक्ट्री ऑन ग्रह कटंगा, तो वाद वाद ग्रह कटंगा।, अब ग्रह कटंगा का क्या हुआ जब अकबर को आधा तो पार्ट, पार्ट जो है ग्रह कटंगा का तो ग्रह कटंगा एक रिच स्टेट था समझना इस चीज को पहले तो बहुत प्रॉस्पेरिटी थी प्रौस्परेटी सेंस में कि जंगल था बहुत ज्यादा जानवर थे इनके पास में तो व्हेन दी मुगल्स डिफीटेड जब गोन्स को हराया ना तो दे बूटी ऑफ प्रीशियस कॉइंस एंड एलिफेंट्स तो एलिफेंट्स कॉइंस वगैरह सब कुछ लूटपाट के ले गए ठीक है ये सारा सब कुछ लूटपाट के ले गए दे दे एनेक्स्ट पार्ट ऑफ किंगडम एंड ग्रांटेड द रेस्ट टू चंद्रशाह बाकी क्या है बाकी चंद्रशाह को दे दिया चंद्रशाह कौन है यहाँ पे तो चंद्रशाह को समझो एन अंकल ऑफ बीर नारायण अब आप बोलोगे वीर नारायण के अंकल को क्यों दे दिया ये तो उनके दुश्मन हुए तो देखो जब मैं वही कह रहा हूं कि अकबर को जब पता चलता है कि जीत गए ठीक है अकबर ने बोला यार मैंने आपको मुगल एम्पायर भी बताया था कि मुगल पॉलिसीज बड़ी क्या थी सटीक थी वो बहुत आ, सही तरीके से काम करती उन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं ये अंकल बच गए ये अंकल फिर रिवॉल्ट करेंगे और फिर लड़ना पड़ेगा तो बोला कि अंकल को अपने अंडर में ले आओ, इनके साथ में क्या कर लो कॉम्पिटिशन मत करो कॉर्डिनेशन कर लो तो उन्होंने क्या किया चंद्रशाह को एक किला दे दिया बाकी सारे अपने पास रख लिए बाकी सारे किले जो है तो वो मालवा के सुबह में मिला लिए उन्होंने मतलब मालवा का जो प्रोविंस था उसे और बड़ा कर लिया और अंकल को वीर नारायण के जो अंकल थे चंद्रशाह जो जिंदा रह गए थे उन्हें एक किला दे दिया और बोल दिया कि टेंशन खत्म है अभी तो डिस्पाइट दी फॉल ऑफ ग्रह कटंगा दी गोन सर्वाइव फॉर अमन दास ने संग्राम शाह जिसने नाम ले लिया था ना इतना बड़ा जो एम्पायर बनाया था वो एम्पायर तो चले गया लेकिन फिर भी वो सर्वाइव कर गए लेकिन क्या होता अनसक्सेसफुली अगेंस्ट दी स्ट्रॉगर बुंदेलाज एंड मराठास ठीक है तो

पैसा हजम किसी प्रकार का डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन मैग्नेट बेन्स पे क्लास फोर्थ से क्लास ट्वेल्थ तक इसी तरह से सभी चैप्टर्स चैप्टर्स के टॉपिक्स सब टॉपिक्स सारी चीजें वीडियो लेक्चर के फॉर्मेट में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आपको क्या करना है घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है अपने जूनियर्स और सीनियर्स को भी बताना है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक और अगली कहानी के साथ में जो किसकी होने वाली है अहोम्स की एक और ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में पढ़ेंगे अहोम्स के बारे में टिल देन स्टे कनेक्टेड कीप लर्निंग थैंक यू थैंक यू वेरी मच